किराहे देखेंगे तेरे चाहे जमाने लग जाए, किराहे देखेंगे तेरे चाहे जमाने लग जाए, या तो तू वर्दी बन के आ जाए या फिर हम ही ठिकाने लग जाए। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट के नया पैटर्न आया, नया सिलेबस है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति का जो न्यू सिलेबस आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लालो एक बार जितने भी बंदे जुड़े सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखे ठीक है, पुराना सिलेबस क्या था वो चेंज करके नया सिलेबस क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट में वैकेंसी सबसे कम आती है, ठीक है, इसीलिए अपन को तैयारी किस हिसाब से करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक मेजर इसमें इंपॉर्टेंट है उनके भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो टॉपिक है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आर्मी के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, सबसे पहले वहीं से जो नया सिलेबस पैटर्न हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नया सिलेबस है उसके बारे में क्या क्या नया पैटर्न चेंज किया उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो सबसे पहले देखते हैं गुरुजी आप जो सिलेबस फॉर सोल्जर एंड नर्सिंग असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें देखा जाए तो आपके सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करें, किसकी, जनरल नॉलेज जीके की बात करें, तो जीके के कितने क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं गुरुजी। जीके के 10 क्वेश्चन है, कितने 10 क्वेश्चन है। फिर बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ के कितने क्वेश्चन है मेरे शेरो, आपके मैथ के भी 5 क्वेश्चन है, कितने जीके के 10, मैथ के 15, कितने हो गए गुरुजी 15 क्वेश्चन, कितने हो गए जनरल नॉलेज के 10, मैथ के 5, टोटल 15, ठीक है। बिल्कुल सर, यहां तक हो गए 15। फिजिक्स की देखा जाए तो फिजिक्स के कितने हो गए गुरुजी 5 हो गए फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के 5 कितने हो गए टोटल 20 हो गए। अब बात करेंगे बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपके 15 नंबर आएगी, बायोलॉजी 15, बायोलॉजी कितने की आएगी लाडले 15 नंबर की बायोलॉजी आएगी, ठीक है। बिल्कुल, फिर बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी 15 नंबर की आएगी, यानी कि केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी में से 15 यानी कि 30 यहां से, तो 20 और 30 हो गए 50, कितने हो गए गुरुजी 50 हो गए, ठीक है। जीके के 10, मैथ के 5, फिजिक्स के 5, बायोलॉजी के 15 और केमिस्ट्री के 15, हो गए 50 क्वेश्चन। बिल्कुल, फिर बात करेंगे सिलेबस की, किसकी बात करेंगे गुरुजी, सिलेबस की देखेंगे, तो सिलेबस भी आप देख सकते हो आराम से, जनरल नॉलेज के बारे में भी देख गया, फिजिक्स का भी दे गया, मैथमेटिक्स का जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे कि क्या क्या इसका पैटर्न रहा है, ठीक है। बिल्कुल सर, फिजिक्स का भी दिया गया है, पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। इंपोर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के, ठीक है। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एनए में, नर्सिंग असिस्टेंट में, हालांकि आपके टेक्निकल का भी लगभग सिलेबस सेम ही है, थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन वहां पे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान की देखते हैं यहां पे, तो सामान्य ज्ञान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपके परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न होंगे, विशेष रूप से इतिहास के क्वेश्चन होंगे, संस्कृति के क्वेश्चन होंगे, और भूगोल और कौन क्या है इससे संबंधित, यानी कि वर्तमान में उस राज्य के राज्यपाल कौन है, उस राज्य के प्रधानमंत्री जो आपके सीएम कौन है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, उस देश का प्रधानमंत्री कौन सकता है, कोई सा भी देश का नया आपका प्रधानमंत्री बनता है वो पूछा जा सकता है। संस्कृति कला संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लोक नृत्य वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी युद्ध है, युद्धों की श्रेणी वो ध्यान में रखना, पड़ोसी देश है उनके साथ किस देश की सीमा कितनी लगती है, सीमाओं की जो रेखाएं उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे इसके आगे टॉपिक कौन सा है, इसके अलावा आपके संक्षिप्त रूप से दिया गया आपके खेल का, तो खेल में देखा जाए तो आपको खेल पुरस्कार में कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, साथ ही में यह भी पूछ लिया जाता है कि यह पुरस्कार किससे संबंधित है, ठीक है, साथ ही में शब्दावली का पूछा जाएगा, भारतीय सशस्त्र बलों का पूछा जाएगा कि किस, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, एनसीसी की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, उसका कमांडर कौन है, उसका मुख्य अध्यक्ष कौन है, ठीक है, उत्तरी कमान का अध्यक्ष कौन है, साथ ही में महाद्वीप और उपमहाद्वीपों से संबंधित पूछा जा सकता है, बड़ा महाद्वीप छोटा महाद्वीप दोनों का संयुक्त रूप से महाद्वीप वालों में पूछा जा सकता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आविष्कार और खोजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है,
इसके साथ ही बात करेंगे आपके भारतीय संविधान के बारे में। तो संविधान से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, ठीक है, और भी जो इंपोर्टेंट है वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको संविधान से संबंधित। ठीक है, कौन से संविधान में राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्तियों का वर्णन है, ठीक है, मान्यावधि का, जितने भी सारे वर्णन है वो आपके संविधान से संबंधित है, वो भी पूछे गए अभी तक एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय संगठन का पूछा जा सकता है, पुस्तक और लेखक 100% पूछा जाएगा आपका एक क्वेश्चन तो, ठीक है, कि यह पुस्तक किसकी लिखी है, जैसे पंचतंत्र किसकी लिखी हुई है, वाल्मीकि के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई, राष्ट्रगान किसने लिखा, सारे वगैरह वगैरह। फिर बात करें भारत और विश्व स्तर पर घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन भी आपका इसी में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई सा भी ट्रेड हो, सुबह 7:15 वाली क्लास लेना ना भूले और शाम को भी 7:15 क्लास लेना ना भूले। ठीक है, जल्दी आपका नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है भाई, ठीक है, जिसमें आपकी मैथ की क्लास अलग से और साइंस की क्लास भी अलग से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और सुबह 7:15 शाम 7:15 भी आपका मॉडल पेपर ओरिजिनल पेपर स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल। हालांकि ये तो कंटिन्यू चल रहा है, सुबह 7:15 शाम 7:15, ये दो क्लासे और स्टार्ट होने वाली है आपकी जल्दी ही। फिर बात करेंगे इसके अलावा कि हाल के वर्षों में वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, वर्तमान समय में कौन सी क्या घटना हुई, जैसे कि आपके इजराइल वाला युद्ध हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो करंट के क्वेश्चन है, यानी कि यह मेन इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल सर, तो करंट वाले जितने भी मुद्दे वो ध्यान में रखना, कोई भी राज्य का नया राज्यपाल बनता है, कोई भी आपका मुख्यमंत्री बनता है, वो भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे G20 हुआ उसके बारे में, एशियाई खेल के बारे में के अंतर्गत जो जितने भी इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे भौतिकी की, फिजिक्स की बात करेंगे, किसकी, भौतिकी की। फिजिक्स के आपके क्वेश्चन कितने आएंगे लाड़े, 5 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के कितने, 5, और जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपको देखा जाए तो कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन होंगे आपके करंट के, और बाकी 7 या 8 क्वेश्चन होंगे आपके बाकी स्टैटिक जीके के या जीके जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे, आगे की देखा जाए तो भौतिकी में फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्थाओं के बारे में, द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, आयतन के बारे में, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बारे में, और आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में, साथ ही में दबाव व बैरोमीटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वस्तुओं की गति, वस्तुओं की गति के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना, और वेग और त्वरण। ठीक है, बिल्कुल, फिजिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हालांकि क्वेश्चन आपके 5 ही आएंगे इसमें से, पर ध्यान में रखना, चाहे मात्रक से संबंधित हो, चाहे आपकी राशियों से संबंधित हो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे आपके न्यूटन के गति के 3 नियम है, वो ध्यान में रखना। इसके अलावा बल और संवेग के बारे में, बल गुणा विस्थापन, साथ ही में बलों का समांतर चतुर्भुज और स्थिरता के संतुलन पिंड, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और प्रारंभिक विचार और शक्ति और ऊर्जा। फिर बात करेंगे आपके उष्मा और उसके प्रभाव, ध्वनि तरंग और उनके गुण, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इनमें एग्जाम्पल ध्यान में रखना भाई, परावर्तन का, अपवर्तन का, विवर्तन का। ठीक है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया कि आकाश का नीला रंग दिखाई क्यों देता है, मृग मिर्ची का किसके कारण दिखाई देती है। ठीक है, वो सारे ध्यान में रखना, से टिंडल प्रभाव हो, कोई सा इफेक्ट हो, साथ में गोलाकार दर्पण और लेंस, लेंस के बारे में ध्यान में रखना भाई, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का। ठीक है, चुंबक के प्रकार और गुणों के बारे में भी पूछा जा सकता है, नेत्रदृष्टि दोष से संबंधित भी इसी में से बन सकता है क्वेश्चन, और स्थैतिक और वर्तमान बिजली उसके बारे में भी पूछा जाएगा, कंडक्टर और गैर कंडक्टर, ओम का नियम है वो, सरल विद्युत सर्किट और हीटिंग। ठीक है, जो आपका ओम ला है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की, किसकी, मैथमेटिक्स की। देखें तो मैथ के क्वेश्चन भी कितने होंगे लाड़ दे आपके, 5 क्वेश्चन। कितने मैथ के, कितने क्वेश्चन लाड़ दे आपके मैथ के भी, फिजिक्स के और मैथ के दोनों के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लाड़ दे, 5-5 आ रहे हैं, यहां से देख सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स का आ गया आपके 5 और मैथ का हो गया 5। ठीक है, इन दो में से टॉपिक में सिर्फ 5-5 पूछे जाएंगे, बाकी सबके अलग अलग, जैसे कि 10 की पूछा जाता है, फिजिक्स बायोलॉजी के आपके 15 है, केमिस्ट्री के भी आपके 15 है। ठीक है, तो अब बात करेंगे मैथ के 5 नंबर आएंगे, जिसमें बीज गणित से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बीज गणित में आपके मैट्रिक्स, निर्धारक, विश्लेषक, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, इंटीग्रल कैलकुलेशन, इसके साथ डिप्रेशन कैलकुलेशन, संभाव्यता, सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रणाली, मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं, माप, क्षेत्रफल, आयतन और सतह क्षेत्रफल। ठीक है, ये टेलीग्राम पे भी आपको PDF मिल जाएगी भाई, कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी। ठीक है, बिल्कुल सर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा आप सीधा जाकर सर्च कर सकते हो गुरुकुल आर्मी बाई DK सर, गुरुकुल आर्मी बाई DK सर सर्च कर सकते हो, ये सेम प्रोफाइल आपकी यूट्यूब वाली प्रोफाइल। ठीक है,
ऐसी कैसी प्रोफाइल वहां पे मिल जाएगी। फिर बात करेंगे इसके आगे रसायन विज्ञान की, देखा जाए तो इसके भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान के 15 क्वेश्चन, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल व रासायनिक समीकरण समीकरण, साथ ही में रासायनिक संयोजन का नियम और साथ ही में वायु और पानी के गुण। फिर बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और नाइट्रोजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड की जो तैयारी गुण इनके बारे में पूछा जाएगा, साथ ही में ऑक्सीकरण और कमी, ऑक्सीकरण ऑप्शन एसिड क्षार धारा या आधार या लवण, ठीक है बिल्कुल, एसिड के बारे में वो भी पूछा जाएगा, ठीक है, एसिड सार अम्ल सार के बारे में, कार्बन और उसके रूपों के बारे में, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरकों के बारे में और परमाणु की संरचना के बारे में, साथ में परमाणु समतुल्य और आणविक भार, संयोजकता के बारे में प्राथमिक विचार। फिर बात करेंगे जीव विज्ञान के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के कितने पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बुनियादी जीव विज्ञान में जीवन प्रक्रिया, पक्षियों मनुष्य का अध्ययन, मानव शरीर की विशिष्टता, भोजन और स्वास्थ्य संतुलन, आहार की आवश्यकता, व्यर्थ तो भोजन प्रथाएं, भोजन की उपज, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें, सामग्रियों के चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन, जीवित संसाधन, आवास एवं जीव और अनुकूलन, ये सारे के इंपोर्टेंट आपके। इसके अलावा बात करेंगे आपके, ठीक है, लगभग आपके बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो रोग है रोगों के बारे में इंपोर्टेंट है, विटामिन के बारे में इंपोर्टेंट है, इसके अलावा आपके रक्त से संबंधित सबसे ज्यादा पूछा गया है वो भी ध्यान में रखना, ठीक है बिल्कुल, विषाणु से जनित रोग है जितने भी वो भी छाप के रखना, अलीगढ़ टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी, सो ट्रिक भी हमने बनाई वहां पे भी देख लेना, यौन जनित रोग, ठीक है, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बिल्कुल, जितनी भी राशियां वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके ग्लूकोज के बारे में पूछ लिया जाता है, चाहे आपके जितने भी गैसें उनके बारे में पूछ लिया जाता है, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड भी है, जितनी सरकराई हैं वो भी, ठीक है बिल्कुल। तो ये तो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस, ठीक है बिल्कुल सर, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, सुबह 7:15 वाली क्लास लेना ना भूले, शाम को 7:15, साथ में मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है आपके 1-2 बजे से, और आपकी साइंस की भी स्टार्ट होने वाली है भाई, ठीक है बिल्कुल सर, जल्द ही इसमें भी जुड़ जाइए, और सुबह 7:15 शाम को 7:15। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी भाई ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का हमने नाम दे रखा है गुरुकुल आर्मी बाई डी के सर, ठीक है बिल्कुल सर, और लिंक भी हमने दे रखी, जाकर देख लीजिए। अब इसी बीच आपसे इजाजत चाहेंगे, जय हिंद जय भारत।